श्री गणेशाय नमः। मैं कृति कानाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे इस YouTube चैनल के ब्लॉग में। आज हम बनाने वाले हैं हाफ के जी का बटर स्कॉच केक। मुझे ये ऑर्डर का मिला है और ये मैंने 150 ग्राम से वेनिला प्रीमिक्स लेके उसमें मैंने बटर स्कॉच का एसेंस मिलाकर इसे मैंने बेक कर लिया है। अब इसकी हम लोग 3 लेयर्स कट कर लेंगे। 3 लेयर्स हमारी कट हो चुकी है, अब इसकी हम आइसिंग करने लेंगे। टर्न टेबल पे हम एक टिश्यू रख लेंगे और इस पे अभी मैं एक केक बोर्ड रख रही हूँ ताकि हमारा केक बोर्ड मूव ना हो। अब इस पे हम थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे। अब इस पे हम बेस रख देंगे और इसे अभी हम शुगर सिरप से सोकिंग करेंगे। और अभी इस पर मैं कैरेमल डालूंगी। कैरेमल डाल के अभी आपको इसे अच्छी तरह से फैला देना है। इससे जो आप बटर स्कॉच केक जब आप खाओगे तो इसका फ्लेवर और भी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगेगा। जहाँ पर मुझे कम लग रहा है वहाँ पे मैं और डालूँगी। अब इस पे हम क्रीम डालेंगे। इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। और इस पे अभी मैं बटर स्कॉच का क्रश ऐड करूंगी। इसे भी फैला देंगे और इस पर थोड़ा सा मैं कैरेमल डालूंगी। और इसे भी फैला देंगे। खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है बटर स्कॉच जब आप ये कैरेमल डाल के आप दोगे कस्टमर को। अब इस पे हम सेकेंड लेयर रख देंगे। इसे भी सेम आपको शुगर सिरप से सोकिंग करना है। पर भी हम कैरेमल डालेंगे। और इसे भी हम अच्छी तरह से फैला देंगे। इस पर भी क्रीम लगा देंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे। थोड़ी सी क्रीम हम साइड में भी लगा देंगे। इस पर भी हम क्रश डालेंगे।
और अब कैरेमल डाल के इसे भी हम फैला देंगे। अब हम इस पे हमारी थर्ड लेयर रखेंगे। शुगर सिरप से सोकिंग करेंगे इसे भी हम। थोड़ी सी क्रीम लगा के इसे हम क्रम कोटिंग कर लेंगे और फिर इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। साइड से भी आपको अच्छी तरह से क्रीम लगाना है ताकि इसकी जो फाइनल आइसिंग हम करेंगे तो ब्रेड के क्रम्स कहीं क्रीम में ना लगे, इसीलिए हमें इसका क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। डन। 10 मिनट्स हो चुके हैं, केक मैंने बाहर निकाल लिया है, अब इसे हम फाइनल फिनिशिंग करेंगे। केक को क्रीम लगा के हो चुका है, अब हम स्क्रैपर से इसे प्लेन करके लेंगे। अभी ऊपर की जितनी भी क्रीम है उसे हम प्लेन कर लेंगे। अब हम इस पे डिज़ाइन निकालेंगे। मैंने क्रीम में पिंक कलर डाल के उसे मिक्स कर लिया था अच्छे से। अब इसे हमें ऐसे ही फैलाना है।
ये आपकी डिजाइन बन गई। अब साइड में हमें रोजेस निकालना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी अब स्टार नोजल से यहाँ पे हम फ्लावर की डिजाइन निकालेंगे। अब इसी से हम साइड में भी डिजाइन निकालेंगे, बट पहले हम हमारा बेस क्लीन कर लेंगे। अब आपको गैप देते देते फ्लावर निकालना है। अब जो गैप है उसमें हम पिंक वाला फ्लावर निकालेंगे। केक हमारा रेडी हो चुका है। अब इस पे मैं स्प्रिंकल ऐड करूंगी। अब इस पे हम स्प्रिंकल डालेंगे। मेरे पास ये छोटे छोटे बॉल्स है सिल्वर कलर के, वो मैं इस पे डालूंगी। आपके पास भी डेकोरेशन के लिए कुछ रहेगा तो आप भी यूज कर सकते हो। केक हमारा रेडी हो चुका है। अब फाइनल लुक आप देख सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी प्यारी वीडियोस देखने के लिए।